दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शेर दरअसल उस नियत के बारे में है जिसको करने की अगर आप ठान लो तो फिर सारी कायनात आपकी उस नियत को पूरा करने में लग जाती है। बस नियत नेक और साफ होनी चाहिए। और हालिया माहौल में ये शेर फिल्म स्टार सोनू सूद के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। फिल्मों में चाहे उनकी भूमिका खलनायक की हो, लेकिन असल जिंदगी में वो गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए एक रियल हीरो बल्कि एक सुपर हीरो बनकर उभरे हैं। करोड़ों प्रवासी मजदूरों को पैदल चलते देख हर किसी के मन में उनका मन पसीजा होगा, लेकिन उनका दुख कम करने के लिए कुछ ही लोग आगे आए। और आगे आने वालों की फहरिस्त में अगर सबसे ऊपर और सबसे आगे अगर किसी को खड़ा हुआ देखते हैं तो वह है सोनू सूद। सोनू सूद ने मुंबई के प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ने का मानो एक तरीके से बीड़ा उठा लिया है, खुद इस जिम्मेदारी को खुद को बांध लिया है। इस के पीछे थी उनकी नेक नियति। बाकी लोगों के लिए उन्हें पैदल चलने वालों का सिर्फ तमाशा नहीं देखा जैसे बाकी लोगों ने देखा, या टीवी पर पैदल चलते लोगों की तस्वीरें देखकर मुंह से की आवाज़ नहीं निकाली और अफसोस नहीं जताया, बल्कि एक सच्चे इंसान, नेक इंसान बनकर नेक नियति से आगे आए और उनको घर छोड़ने का फैसला किया। किसी मजदूर, किसी मजबूर की ना जात देखी ना धर्म देखा, बस उसको मजबूर देखा, उसकी सहायता कर दी। एक अकेले इंसान ने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया। सोचो कि जब एक अकेले इंसान इतना सब कुछ कर दिया तो फिर ये बात सोचने में आती है, ये सवाल सोचने में आ जाता है कि सरकार क्या कर रही थी या सरकार क्या कर रही है। सोचो, सोनू सूद जो फिल्म स्टार, वो भी अधिकतर फिल्मों में विलेन या साइड रोल वाले किरदार करते हैं। वो बंदा आगे आकर ये सब कर रहा है, इतना खर्चा खुद अपने बूते पर उठा रहा है। तो सोनू सूद के आगे तो कई बड़े बड़े स्टार खड़े हैं, कई बड़े बड़े करोड़ जो करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों फीस लेते हैं, जिन्होंने जनता से अकूत दौलत का भंडार इकट्ठा कर रहा है, वो क्यों आगे नहीं आए? गरीबों की सहायता करने में सलमान खान या अजय देवगन जैसे कुछ गिने चुने नाम होंगे जो आगे आए और उन्होंने गरीबों की सहायता करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन इसके अलावा बाकी क्या? बाकी बस ताली और थाली बजाने के लिए दिए जलाने के काम करते रहे। चलिए, खैर, बात हम सोनू सूद की कर रहे हैं। सोनू सूद के काम की तारीफ आज हर कोई कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताता हूँ। सोनू सूद जितनी नेक नियति से प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ने का काम कर रहे हैं ना, उतनी ही खूबसूरती से वो सोशल मीडिया पर लोगों को जवाब भी दे रहे हैं। जितने अपनेपन से वो ट्विटर पर रिप्लाई कर रहे हैं, वो भी पूरे देश के लिए एक सबक है, खास करके उन ट्रॉल्स के लिए सबक है जो हमेशा अपने शब्दों में गालियां लिए घूमते हैं, किसी न किसी को निशाना बनाकर ट्रॉल करते हैं। आपको मैं सोनू सूद के ट्विटर की वाल की सैर करवाता हूँ। सोनू सूद, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो माफ़ करना, आपकी बिना अनुमति के आपके ट्विटर से ये मैं शेयर कर रहा हूँ। रिप्लाई जो आपने दिया था वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप ये देखिएगा ज़रूर। आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से जवाब दिए हैं लोगों को, चाहे वो कोई भी हो। आप देख रहे हैं जो आज का ये एक घंटे पहले का है कि सोनू, आपने मुझे मेरे गाँव तो भेज दिया पर कब आओगे मेरे गाँव, यहाँ सबकी जुआ पर आपका ही नाम है। तो सोनू सूद जवाब दे रहे हैं कि आप तो गांव पहुंच गए भाई, आपके और भाई लोगों को भेज देता हूं और बहुत जल्दी आता हूं। एक और किसी ने लिखा होगा तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि आप जाएंगी, आप तैयार हो जाएं, तैयार हैं तो बोले आप जाएंगी, आप तैयार हैं तो बोलें, घर में बोल दें कि लिट्टी चोखा तैयार रखें, आपका फ़ोन बज रहा है। यानी कि उनका इतना क्विक रिप्लाई। काफ़ी लोग सोनू सूद की तारीफ़ कर रहे हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अभी ये एक और जो है उन्होंने कहा है सोनू सूद सर, माय सिस्टर एंड माय नेफ्यू कीप इट इन नाला सोपारा मुंबई, बट नाउ द सिचुएशन इज़ नॉट राइट, प्लीज़ हेल्प माय सिस्टर टू रीच प्रताप, जो भी है। तो उन्होंने कहा ए ब्रदर हैज़ आस्क्ड to rescue his sister, so has to be done। आगे आप देख सकते हैं कि एक काजल मयूरा करके है, उन्होंने लिखा है कि सर प्लीज़ हेल्प मी, हम 7 लोग हैं, आजमगढ़ यूपी जाना चाहते हैं, हमें प्लीज़ अभी हम बंदूक मुंबई में फंसे हुए हैं, आप हमारी हेल्प करें। उसका रिप्लाई उनका कितना क्विक है, आप ये देखिए, रेडी रहो मैं आता हूं। ये अभी आप एक ये स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे हैं कि कोई एंकर मनीष है जिन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सोनू सूद की आरती उतारी जा रही है। जब कोई अगर वाकई ऐसा काम करता है तो भगवान के साथ में रख के उनकी आरती उतारी जा रही है। हालांकि उन्होंने इस पर कहा है कि अरे भाई ऐसा मत करो, माँ से कहना मेरे लिए रोज़ दुआ मांग ले, सब सही हो जाएगा। एक डॉक्टर इंजीनियर श्याम मोहन नायक हैं जो कि कह रहे हैं कि सर मुंबई भिवंडी से गोरखपुर जौनपुर वाराणसी बस्ती आजमगढ़ कहीं भी छुड़वा दो। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, तो उस पे इनका क्या कितना खूबसूरत जवाब है, घर तक छोड़ के आऊँगा भाई, कहीं भी कैसे छोड़ दूँ। आप इनके जवाब देखिए कितने अच्छे जवाब हैं। एक ये बच्ची जो सोनू सूद के लिए बड़े क्यूट से मैसेज कर रही है, उसको भी उन्होंने जवाब दिया, आई सैल्यूट यू टू माई लिटल एंजल। आप इनकी वॉल पे देख सकते हैं। ये एक और अभिषेक कुशवाहा जो उन्होंने अपना वीडियो बना के भेजा है, तो उसका भी जवाब ये दे रहे हैं, ज़बरदस्त भाई, जल्दी मिलकर गाना सुनूंगा, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आप ये देखिए, ये एक मुकेश साहनी है जो कि ये बता रहे हैं कि फार्म भरते भरते सिर चकरा गया है, प्रभु अब तो विनती सुन लो, बोरीवली से गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि फार्म भरने से जो सर चकराया है तो थोड़ी सर की मालिश करवा ले भाई, घर जाएगा तो फ्रेश तो दिखना ही चाहिए ना, वहाँ माँ हमारी डांट लगा देगी, वरना माँ हमको डांट लगा देगी। इनके आप जवाब देखिए, बड़ी खूबसूरत जवाब हैं। आप आगे देखिए, जिसको कह रहे हैं कि आपकी बहन हमारी बहन है। एक और जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि रेमल राव, वो लिखते हैं कि कोल्हापुर से कुछ मज़दूर अपने घर मुजफ्फरपुर बिहार जाना चाहते हैं, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं है, प्लीज़ कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने अपने नंबर भी दिए हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने सीधा सटीक जवाब दिया है, एड्रेस भेजो घर चलते हैं। मतलब कितने अपनेपन से उन्होंने जवाब दिया है। एक और हैं जिन्होंने लिखा है कि सोनू सूद सर, हम मुंबई में हैं और हम बिहार में समस्तीपुर जाना चाहते हैं, सर प्लीज़ हमें बिहार जाने का कोई रास्ता बताएं। उसको जवाब में इन्होंने क्या लिखा है कि रास्ता पूछ के क्या करोगे भाई, घर ही छोड़ के आता हूँ, कभी समस्तीपुर आया तो चाय ज़रूर पिला देना। ये एक अपनेपन की बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक राजा चौरसिया है जो लिख रहे हैं, सोनू भाई कुर्ला मुंबई से मेरे एक फ्रेंड अब्दुल हकीम अंसारी वाइफ और एक बच्चा भी हैं, वह यूपी गोरखपुर जाना चाहते हैं, काम बंद होने की वजह से मुंबई में फंसे हुए हैं। तो सोनू सूद का कहना है कि अब्दुल भाई से कहना भाभी और बच्चा दोनों आ रहे हैं उनके पास, परेशान ना हो। क्या बात है। एक मोहन कुमार है, उसने लिखा, सोनू सूद भैया आपको कई बार मैसेज किया हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, आपका, मेरे पास घर जाने भर का पैसा नहीं है भैया, या आप भोपाल से वाराणसी का टिकट करवा दीजिए। तो उसको जवाब दे रहे हैं कि पापा को बोल तू कल आ रहा है। इनके जवाब वाकई दिल को छूने वाले हैं। एक ज्योतिषा है जो कि ये लिखती हैं कि सोनू सूद सर, आप कब तक मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाते रहोगे? कोई टाइम लिमिट रखी है आपने? कितने दिनों तक आप उनकी सहायता करोगे? तो उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि आखिरी प्रवासी ही मेरी मंजिल है मेरे भाई। बहुत खूबसूरत जवाब है। आप इनकी वॉल पे देख सकते हो और आप उनके जवाब देख सकते हो। लोग बाग उनके मीम्स बना के भेज रहे हैं, उनको थैंक यू करके भेज रहे हैं। एक खुशबू हजारे है जो लिखती हैं सोनू सूद को कि सोनू सूद, हम सब के पास एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे सर जी? सोनू सूद ने फंसे हुए लोगों को घर भेजा है, इस बार बुक कराई पूरी ट्रेन। सोनू सूद की जितनी भी वॉल है उसमें काफ़ी है। ये एक माँ ने एक वीडियो पोस्ट किया है जो आपने काफ़ी वायरल भी हुआ है, इसको यहाँ पे भी काफ़ी हज़ार लोगों ने देख लिया है। और उसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि मम्मी जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक माँ को उसके बेटे से मिलवा पाया, किस्मत रही तो कभी आपके घर आकर खाना ज़रूर खाऊँगा। एक सेंड आर्टिस्ट हैं, सेंड आर्टिस्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी सोनू सूद का एक पूरा बनाया है जो सैंड से, समुद्र की रेती से बनाया है, यू आर द रियल हीरो सोनू सूद। इसको काफ़ी लोगों ने रीट्वीट भी किया है। एक ने सिर्फ इतना लिखा कि सर जी, ठाणे से वाराणसी जाना है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो उसको जवाब में ये लिखते हैं कि चल मेरे भाई, माँ बापू से मिलवा कर आता हूँ। किसी को लिख रहे हैं, पहुंच गए हो तो घर वालों को मेरा सलाम कह देना। एक एक जवाब उनके दिल छूने वाले हैं। एक जो कि धनंजय दुबे हैं जो लिखते हैं कि सोनू सूद सर, हम लोग 4 लोग हैं, ठाणे में फंसे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, मदद कीजिए। मोबाइल नंबर भी इन्होंने अपना दिया है। उसको जवाब में लिखते हैं, चल मेरे भाई, तू कल घर का खाना खाएगा, सामान बांध ले। एक असद खान है जिन्होंने लिखा है कि छेदी सिंह, हम तुम्हें इतनी दुआएं देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे अपने पास रखें या लोगों में बांट दें। तो उसको भी जवाब दिया है इन्होंने कि बांट देंगे भाई, सुना है बांटने से सब बढ़ता है। इन्होंने एक और भी ट्वीट किया है कि अगर आप मुंबई से यूपी जाना चाहते हैं तो इस ट्वीट के जवाब में अपने मोबाइल नंबर के साथ मैसेज भेजें, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। एक और लिख रहे जो कि गुजराती के अंदर छपा है, सोनू मसीहा है एटसेट्रा, तुम मसीहा हो मुसीबत के मारों का। उसके जवाब में लिखते हैं, गांव तो सब जाएंगे और पैदल नहीं, कभी नहीं। करीब करीब सभी मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, उन्होंने सोनू सूद की खबर चलाई है, उनका इंटरव्यू चलाया है। उन्होंने सोनू सूद को एक तरीके से सुपर हीरो बताया है। आप देख सकते हैं ट्विटर में काफ़ी इन्होंने पोस्ट करी है इनकी। ये भगत सिंह के उसमें भी फोटो है। तो ये थी सोनू सूद की दास्तान। आपको और देखना है कि वाकई उन्होंने कितना खूबसूरती से जवाब दिए, तो उनकी एक बार ट्विटर वॉल ज़रूर पढ़िएगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इंसान होना कितना ज़रूरी है, और ख़ास करके जो ट्रॉल करते हैं, जो गालियां देते हैं, उनको एक बार इनकी वॉल ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।